हरे कृष्णा दोस्तों, ये लॉकडाउन के चलते कई सारे बाथरूम सिंगर्स नजर आने लगे हैं। फेसबुक पर शोज करने लगे हैं, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर। ये अच्छी बात है, उनकी कोशिश भी अच्छी करते हैं, लेकिन ये बाथरूम सिंगर्स शास्त्रीय पद्धति से ठीक तरह से कर नहीं पाते। सिर्फ फिल्मी गीत गाने वाले, क्लासिकल फिल्मी गाने गा नहीं पाते। जिनको क्लासिकल की कुछ समझ होती है, वो क्लासिकल फिल्मी गाने भी बड़ी आसानी से गा पाते हैं। और शास्त्रीय पद्धति से समझने वाले भी जो इन स्वरों को नंबर फॉर्मेट में ठीक तरह से कन्वर्ट कर पाते हैं, वो जब विकृत स्वर लगते हैं, यानी कोमल तीव्र, तब वो इन विकृत स्वरों को ठीक तरह से पहचान पाते हैं और उस तरह वो गा पाते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्मेट में, यानी न्यूमेरिकल वे में, ये सुरों को कैसे पहचानते हैं। सा एक, रे कोमल 1.5, जिसको आप 1.5 लिख सकते हो। रे दो, फिर ग कोमल को आप 2.5 लिख सकते हो, यानी 2.5 लिख सकते हो। फिर ग शुद्ध 3, म 4, म तीव्र 4.5, यानी आप 4.5 लिख सकते हो। प 5, फिर ध कोमल, इसको आप 5.5 यानी 5.5 लिख सकते हो। ध 6, नी कोमल, नी कोमल को आप 6.5 यानी 6.5 लिख सकते हो। फिर नी शुद्ध 7, आप अगर इन सुरों की अच्छी पहचान रख पाते हो, तो ये जो ईयर ट्रेनिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। तो पहचानिए ये बजते हुए सुर। ये है सा, अब बजाए गए ये छे सुर पहचानिए, फिर से सुनिए और एक बार सुनिए। ये सुर कौन से हैं और इनका नंबर पैटर्न क्या है, ये बताने की कोशिश कीजिए। व्हाट्सएप वीडियो, स्काइप, जूम या गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन संगीत सीखना और संगीत पाठ करना है बहुत आसान। गाने या बजाने में खटका, मुरकी, मींड, गमक जैसी हरकतें लेने से ही गाना मधुर कहलाता है। आपकी संगीत शिक्षा शुरू करने के लिए एक बार हमसे फोन पर बात कर लीजिए और समझ लीजिए संगीत अभ्यास क्या होता है और आपके सुविधाजनक वक्त में ये अभ्यास आप कैसे कर पाओगे। ये हमारा पिछले 10 साल का अनुभव है।